तो आज है भागवत मार्ग 2021, 13 सितंबर 2021 सोमवार का दिन। तो सोमवार की व्रत कथा सुनेंगे। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बेहद दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी की इच्छा अनुसार भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस बातचीत को साहूकार सुन रहा था और उसे ना तो इस बात की खुशी थी और न ही गम। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय उपरांत साहूकार के घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ, मार्ग में यज्ञ कराओ। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहीं ब्राह्मणों को भोजन कराते दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया कि उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूँ। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र एक ईमानदार शख्स था और उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपने पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया और जैसे ही लड़की की उम्र 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ खराब नहीं है। खराब है तो मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदानों से कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण पखेरु उड़ गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोग बस उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे और पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि उस साहूकार या वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां पर उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और उस लड़की के ससुर ने उसे पहचान लिया। महल में ले जाकर उसके आवभगत की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार उसकी पत्नी बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने प्राण कर लिया था कि यदि उन्हें अपनी बेटी की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने पर समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। जो कोई सोमवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, उसके दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। हरे कृष्ण।